आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आज मैं आपको डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और सब्ज़ी बता रही हूँ। इसमें स्वाद तो कैसा भी हो लेकिन ये सारे मरीजों के लिए ही फ़ायदेमंद होती है। मैं तो मरीज हूँ इसलिए मरीजी मरीजी सब्ज़ी बताती हूँ। आइए देखिए, आज मैं आपको पपीते की सब्ज़ी बता रही हूँ जिसको मैंने एक घंटा पहले पानी में काट के डाल दिया है, क्योंकि आजकल दवाइयाँ बहुत मिलती हैं तो इससे पानी में दवाई घुल जाती हैं। अब मैं अपने गैस को चालू कर रही हूँ। ठंडों के दिन हैं तो मैं तो सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ और कम ही तेल का उपयोग करती हूँ। और बघार में भी वही चीज़ें डालती हूँ जो कि मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ख़ास करके डायबिटीज़ वालों के लिए। मैंने इसमें सबसे पहले अपना तेज़पत्ता डाल दिया है। अब मैं इसमें आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच मेथी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें एक चम्मच के अंदाज से राई डाल रही हूँ। मेथी दाना तो डायबिटीज़ वालों के लिए अमृत है। रोज़ हर सब्ज़ी में मेथी दाने का तो बघार लगाना ही चाहिए। देखिए मेरे मसाले कड़क गए हैं। अब मैं इसमें आधा चम्मच कम ही हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर अब मैं इसमें अपने पपीते डाल रही हूँ। पपीता तो रामबाण है, सब मरीजों को खाना चाहिए। पपीते से लीवर बिल्कुल सही रहता है। जितनी भी कोई भी गड़बड़ी अगर लीवर में होती है तो लीवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। पपीता कच्चा भी खाना चाहिए, पका भी खाना चाहिए। पपीता में बहुत अधिक फाइबर भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं और मरीजों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। पपीते को ही नहीं, पपीते के बीजों को भी खाना चाहिए। पपीता के बीज तो और अधिक फायदा करते हैं, और बीज ही नहीं पपीता के तो पत्ते भी बहुत फायदा करते हैं। जिनको खून की कमी रहती हो उन मरीजों को चाहिए कि वो जो है पपीता के पत्तों का रस निकाल कर पिए। पपीता बहुत ही गर्म होता है इसलिए अपनी तासीर के हिसाब ही पत्तों का रस निकाल कर पीना चाहिए। पपीता जैसी अच्छी सब्जी कोई नहीं है, यह हमारे शरीर को बहुत अधिक फायदा करती है। देखिए अब मैं इसमें बड़ी दो चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अब मैं इसमें
सेंधा नमक डाल रही हूँ। इसमें सेंधा नमक ही डालना चाहिए, क्योंकि यह एक सब्जी नहीं, यह एक औषधि है। इसमें मैं एक चम्मच के अंदाज का सेंधा नमक डाल रही हूँ। और सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग करने से पपीता में कई अधिक गुण हो जाते हैं, बहुत अधिक फायदा करने लगती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है। और जब मेरी सब्जी पककर तैयार हो जाएगी तब मैं इसमें नींबू डालूंगी। नींबू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है, और काली मिर्च, सेंधा नमक और नींबू से इसके सब्जी के कई गुना उपयोग बढ़ जाते हैं। हमें हर दिन अपने खाने में पपीता का उपयोग तो करना ही चाहिए, चाहे उसको सब्जी के रूप में खाएं, या उन पत्तों का रस पिएं, या पके हुए पपीतों को खाएं। आप पपीते के बीज भी सुखा सकते हैं, और सुखाने के बाद चौथाई चम्मच के हिसाब से पपीतों के बीजों को भी खा सकते हैं। पपीता ही एक ऐसा फल है जो सारी बीमारियों में हमें फ़ायदा करता है, हमारे लीवर को, लीवर जो होता है ना, उसको बहुत अधिक अच्छा करता है। इसलिए हमें अपने नित्य खाने में या किसी भी तरह से हमें पपीता का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।